बाहर की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है KMC हेल्थ सिटी एंड KMC कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। पंचायत व ग्राम प्रधानी को लेकर हुई रंजिश के परिणाम सामने आने लगे हैं। यूपी के मेरठ जिले में अपने मनमाफिक काम न करने व विरोधियों का साथ देने के आरोप में एक वृद्ध की फावड़े से हत्या कर दी गई। ग्रामीणों ने शव थाना परिसर में रखकर हंगामा किया। इस दौरान वहां पहुंचे आरोपी हत्यारे के भाई को भीड़ ने पकड़ लिया और पुलिस की मौजूदगी में लहूलुहान कर दिया। पुलिस ने किसी तरह उसे भीड़ के चंगुल से छुड़ाया। हत्यारोपी व मृतक पक्ष दोनों अलग अलग संप्रदाय से जुड़े होने के कारण मामला तूल पकड़ गया। ग्रामीण आमने सामने आ गए। पुलिस कप्तान प्रभाकर चौधरी व भारी पुलिस फोर्स वहां पहुंच गई और बिगड़ते हालात पर काबू पाया। मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट TV। यह संपूर्ण वारदात भावनपुर थाना इलाके के ग्राम रुकनपुर मोरना में बीती रात हुई। मारे गए वृद्ध का नाम अख्तर है, जबकि पुलिस में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में गांव के ही प्रदीप त्यागी, उसके भाई राजू व संजू को हत्यारोपी बनाया गया है। मारे गए वृद्ध के बेटे शहनवाज का कहना है कि प्रदीप त्यागी ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ा था, लेकिन मुस्लिम समाज के वोट नहीं मिलने से वह हार गया था। इसी से वह उनसे खफा चल रहा था। भावनपुर थाना परिसर में रात करीब 11 बजे यह रहा माहौल। भैया मेरे बाबा का बैठ रहा भैया, इंसाफ चाहिए मुझे कुछ नहीं। भैया इंसाफ का होगा कुछ भैया, बगैर गलती के मारा कुछ नहीं कहते हैं पूरे गांव में गाली भी नहीं। इस बीच हत्यारोपी का भाई राजू भीड़ को वहां नजर आ गया। भीड़ ने उसे पकड़कर लहूलुहान कर दिया। रिपोर्टर हूँ मैं सनम। मौके पर मौजूद SSP से ग्रामीणों ने हत्यारोपी के पकड़ लिए जाने की बात कही तो पुलिस कप्तान प्रभाकर चौधरी ने यह कहा। ये बता रहे हैं सर कि पकड़ लिया गया है एक दो को, तो नहीं पकड़ा गया तो पकड़ लिया जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। कोरोना के बढ़ते मामलों पर नियंत्रण के लिए महाराष्ट्र सरकार ने बाहर से आने वाले लोगों के लिए RT-PCR रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है। न होने पर 14 दिन का क्वारंटीन आवश्यक कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए एहतियात बरतें, मास्क का इस्तेमाल करें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से परहेज करें। खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV और हाँ, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को दबाना न भूलें। कमेंट भी करें। नमस्कार।